गुड मॉर्निंग, मैं सीमा माथुर, क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटे 2.2। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, यानी कि कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं हमें। ठीक है, पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें क्या है, पैटर्न बना हुआ है एक, जैसे कि हाफ शेडेड हैं, हाफ अनशेडेड हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके फर्स्ट में पूछता है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 × 1/5 है जो, वो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी कि इस पैटर्न को कैसे हम फॉलो करें कि इन चारों आंसर्स में से, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हमारे पास आए। ठीक है बेटा, तो ये करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। इसमें हम करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है हमें उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर देखेंगे ऊपर कितना पैटर्न आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आगे क्या करते हैं। अब बेटा मैथ से आप डरे ना, क्योंकि मैं आपको मैथ्स इतने अच्छे तरीके से कराने जा रही हूँ कि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे इसमें से अच्छी तरह क्वेश्चन को सीख सकते हैं। आप सॉल्यूशन देखें, देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 = 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमारा क्या है, जो नीचे की संख्या है वो क्या होती है, टोटल होती है, और ऊपर क्या होता है, जो ऊपर की संख्या होती है वो शेडेड होती है। यानी कि इस पैटर्न में देखो 5 किस में, देखो 1, 2, 3 आ रहा है टोटल, ये तो आंसर होगा ही, 1 और 2 बॉक्स आ रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4 बॉक्स, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल क्या है हमारा 5 है, 5 बॉक्सेज आ गए, ऊपर क्या है 2, अब 5 बॉक्सेज हैं और 2 शेडेड किस में, एक शेडेड ये रहा, एक ये रहा, बिल्कुल क्या है हमारा आंसर, एकदम करेक्ट है, आंसर क्या होगा, डी, डी क्या होगा आंसर। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, 2 × 1/2, यानी कि 2 × 2, 2 × 2 = 4, यानी कि क्या है बेटा, 2 होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो 2 किस में है, 2 किस में नज़र आ रहा है, देखो 1 और 2, और 1 ये शेडेड है, 1 ये है, तो क्या हो गया, बी है, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से 3 देखते हैं, 3 × 6/3, अब क्या होगा, नीचे टोटल 3 है, तो देखो 1, 2, 3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, जो ए की आकृति है वो इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, अब 4 में चलते हैं, 3 × 3 = 4, यानी कि नीचे का पैटर्न 4 आ रहा है, तो 4 किस में है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, सी क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इमेज भी क्लियर होगी, क्वेश्चंस के आंसर भी क्लियर होंगे, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं। ठीक है, इनको आराम से वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको बिल्कुल आंसर्स क्या होंगे बेटा, समझ आ जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। देखो इसमें हमें 1, 2, 3 पार्ट दिए गए हैं, और इसमें से पूछा गया, फर्स्ट में जैसे कि पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, ए ये है, बी हमारे पास ये है, सी ये, ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा। अब 1-sided था, अब 2-sided आ गई है इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, 2-sided आ गई, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3/5 और 3/5, यानी कि इक्वेशन है। अब टोटल देख लें, नीचे की संख्या देख लें 5 है, तो 5 देख लें किस आकृति में आ रहा है, जिस आकृति में 5 दिखेगा वही क्या होगा आंसर हमारा, ज़रूर होगा। देखो 1, 2, 3 ये नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल होगा बेटा, और इसने बोला है कि क्या होगा, 3/5 होगा, तो देखो 1, 2, 3 और 5। अब इसमें क्या है, इसमें देखो 3-sided आ रहा है, 1, 2, 3, 3-sided और 5 टोटल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, तो सी क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि सी की आकृति इस क्वेश्चन में आएगी। अब सेकंड को सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 3, 2 यानी कि इक्वल्स हैं। ठीक है,
अब 3 3 आ रहा है तो नीचे का टोटल देख लो, 3 किस में आ रहा है, 1 2 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट पे जाते हैं, तो वो क्या है, 3 3 3 9/4, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 8 और 1 9/4, ठीक है। अब टोटल 4 देख लो कि इसमें 1 2 3 4, ये देखो बी पार्ट में क्या है, 4 है, और इन उन डिब्बों को गिनेंगे तो उसमें 9 क्या है बेटा आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं हम, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है, फर्स्ट और सेकंड जो मैंने सॉल्व कराए हैं बड़े ही ईजी मेथड से कराए हैं, और ठीक है इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इन टू अ मिक्सड फ्रैक्शन, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको रिड्यूस लोवेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, और फिर कन्वर्ट करना है किस में, मिक्सड फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्सड फ्रैक्शन में उनको क्या करना है, कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो 3 पार्ट पे चलते हैं। अब देखो 7 3 21/5, क्या ये दोनों कट सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म बन सकती है इससे कोई, बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं कट सकते, 5 से 21 कभी नहीं कट सकता, कोई भी लोवेस्ट फॉर्म हमारी क्या नहीं है, हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं होता तो सॉल्यूशन कर दो, 5 से किसको डिवाइड दे दो, 21 को, अब 5 4 20, 1 रिमाइंडर बच गया, तो आंसर देखो डिविजिबल तो वही रहता है, 5 का 5, और किस पे गया, 4 पे गया, और रिमाइंडर कितना बचा है, तो ये क्या हमारा हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस प्रकार से जो डिजिट लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 1 4 और 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, सभी को पता है 3 तो आएगा ही, रिमाइंडर 3 1 3, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, आप डिवाइड चाहे करके देख लें, ठीक है। 3 में आते हैं 2 6 12/7, इससे भी इसको डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड दे के दिखा देती हूँ मैं, 7 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 7 कितना बच गया, 5 रिमाइंडर बच गया, तो 7 से हमने क्या दिया, डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना बचा, 5, और गया कितने पे, 1 पे, तो आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसके बाकी के बीच के पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है। अब मैं 7 पार्ट पे आ रही हूँ थोड़ा सा। अब देखो अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट सकते हैं, ये सामने आमने कट रही है, काट सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद भी काट सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 24 80/5, ये देखो कट रहा है, 5 1 5 5 1 5, और 5 6 30, यानी कि 16/1 आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 16 ही आएगा, नीचे 1 डिनोमीटर की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अब 13 1 13 और 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 13 में से 12 गए, और किस पे गया, 4 पे गया, तो ये क्या गया हमारा आंसर। बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में जो संख्या दे रखी है उनको सॉल्व करके सिंपल वे में लिख के, अगर लोवेस्ट फॉर्म कोई बनती है, यानी कि वो किसी टेबल से दोनों संख्याएं ऊपर नीचे कटती हैं तो कटती हैं, नहीं तो क्या करेंगे, सिंपल उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं 10 पे, देखो 14 3 45 और 5/1 आ गया, ये भी कटता है, 5 5 5 5 9 45, ये तो 9/1 आ गया, तो आंसर क्या गया, 9 ही आ गया हमारा। अब ये कन्वर्ट कर दिया हमने, कन्वर्ट करके ये आंसर आ गया, तो आगे डिवाइड करने की क्या है, कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि डिवाइड तो तब करते हैं ना नीचे, अगर 1 से अब वो कोई संख्या होती है, अब नीचे तो हमारे पास क्या है बेटा, 1 है, अगर 1 है तो क्या करें, कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल करते हैं, ओके जी, इतना भी हो गया हमारा। इससे आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे, ये देखें बुक में 4 क्वेश्चन, फोर नंबर, शेड
इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वन अपॉन टू ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी कि जो बॉक्स ए दे रखा है उसमें सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, बॉक्स में, उनको हाफ भाग में बांटना। तो अगर हाफ भाग को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि टोटल तो टू पैटर्न होने चाहिए, दो भाग, और क्या होना चाहिए, ऊपर एक डिजिट, यानी कि ठीक है, तो वन पार्ट को अगर शेडेड कर दें और एक को वैसे कर दें तो आंसर हमारा आ सकता है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम शेडेड कर दिया, ठीक है जी, देखते चलें, ये बुक में ही होगा क्वेश्चन, अभी मैं आपको समझा दूंगी, शेडेड कर देंगे ऐसे, ठीक है, अब ये शेडेड कर दिया तो पैटर्न बन गया ना, देखो टू पार्ट बन गया, एक शेडेड एक अनशेडेड, तो वन अपॉन टू का बन गया हमारा ये आंसर, सिंपल, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और, इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट में टू अपॉन थ्री आ रहा है ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर ट्राइंगल बने हुए हैं, उन्हें दो सही तीन भाग में बांटना है, टू एंड थर्ड पार्ट में उन्हें मेंशन करना है। तो दो अपॉन तीन में देखो टोटल तो तीन है, ठीक है जी, तीन है, एक दो तीन रो, तो दो दो को क्या कर देते हैं, दो को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, एक अनशेडेड रह जाएगा, ये लो जी इसको भी शेडेड कर दिया, ठीक है, तो दो सही तीन बट ऐसे इसको स्क्वेयर्स बना रखे हैं बॉक्स में, थ्री अपॉन फाइव कराएं, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव रो हैं, ठीक है, फाइव स्क्वेयर हमारे पास, थ्री क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, तो थ्री को क्या कर दो, शेडेड कर दो, टू लाइंस वैसे रह जाएंगी, सिंपल आप करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर फाइव में देखा जाए तो हमने करना है फाइंड करना है क्वेश्चन को, यानी कि उसमें ए पार्ट दे रखा है, ए के भाग दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहे हैं बेटा, फाइव में क्या करना है, देखो फाइंड करना हमने, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, फाइंड करना, हम इक्वेशंस दी गई हैं, ए पार्ट में हाफ ऑफ, यानी कि उसमें दे रखा है, उसके पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, यानी कि हाफ दे रखा है, यानी कि हाफ को रिप्रेजेंट करके, ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर पैटर्न बन जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे करने जा रहे हैं हम सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, फाइव, हाफ ऑफ द, देखो पहले फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ, 24 है, ठीक है बेटा, तो किसका है, देखो किसका है, हाफ ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 21 है, तो सॉल्व कर दो सिंपल, 24 वन जा 24, 2 वन जा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कटता है तो काट दो, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 जा 4, यानी कि 12 अपॉन 1 आ गया, यानी कि क्या आ गया आंसर, आप 12 भी लिख सकते हैं, 12 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वैसे आंसर 12 ज़्यादा बेटर रहेगा लिखेंगे तो, ठीक है, और 12 अपॉन 1 भी छोड़ देते हैं आप आंसर को, तो गलत नहीं होगा वो, आपको क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 46, यानी कि 1 अपॉन 2 का, यानी कि मल्टीप्लाई 46 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर कर दो 41, 1 जा 41, 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी कि क्या आ गया, 23 अपॉन 1 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 23, ठीक है, 23 आंसर आ गया, ठीक है, 23 आंसर आ गया। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हों तो इससे फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 24 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के बी पार्ट पे, ठीक है, इसी के बी पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसका करने जा रहे हैं हम बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट करने जा रहे हैं, 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट है बेटा 18, सेकंड पार्ट है 27, ठीक है, जैसे फर्स्ट मैंने कराया, यानी कि ये पार्ट कराया, वैसे ही ये करना है, देखो अब फर्स्ट में क्या था, ये 18, ठीक है, और आया क्या है, 2/3 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो 18 है, 18 अपॉन 1 हो गया। तो देखो यहाँ भी काट सकते हैं इसको, लेकिन अगर नहीं काटना चाहते तो आगे सॉल्व कर लेंगे, आपकी मर्जी। देखो 3 1 3 3 6 का क्या आता है, 18 होता है, तो 6 2 12 अपॉन 1 और आंसर क्या आ गया, 12। ओके जी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो 18 2 36 अपॉन 3 आएगा तो भी काटेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, 12 ही आएगा, कुछ और नहीं ही आएगा। ठीक है, अब इसका चलते हैं सेकंड पार्ट करने। सेकंड में क्या पूछा है, 27। ठीक है बेटा, यानी कि किसका है, 2 अपॉन 3 का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, 27 अपॉन 1 हो गया। आप भी देखो घटता है, 3 1 3 3 9 27 9 2 18 अपॉन 1, ये देखिए क्या आ गया, 18 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट और डी पार्ट करते हैं। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं, सी में क्या है, 3 अपॉन 4 ऑफ फर्स्ट में 16 है, सेकंड में क्या बेटा 36 है, ये देखें स्क्रीन पे। अब मैं ऐसे ही सीधा सॉल्व करा देती हूँ, आप समझ तो चुके हैं। देखो 3 अपॉन 4 का है तो फर्स्ट क्या है, 16 है, ठीक है हमारे पास, और 3 अपॉन 4 का ही कितना है, 36 है, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कटता है तो काट दो, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 9 3 जा और 4 3 जा ये करेंगे, 4 3 जा बेटा 12 अपॉन 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 12। ओके जी, मैं स्क्वेयर में आंसर को इसी प्रकार से प्रदर्शित करती हूँ ताकि आपको शो हो रहे कि हाँ हमारा आंसर है, क्योंकि मैं आंसर लिखने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में 9 3 जा कितना होता है, 27, तो कितना आ गया, 27 अपॉन 1 1 जा 1, यानी कि 27 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमारा 27 आ गया और 12 आ गया। ओके, ये हमारे क्या आ गए आंसर, आपकी स्क्रीन पे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, पर बिल्कुल पूरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन साफ नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से देखें आप। अब ये क्वेश्चन क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 सॉल्व, उसके बाद 7 करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे, मतलब जो इतने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज को आज की क्लास में ही क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अगर आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म हो गया हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 6 पे। ठीक है, 6 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो इन्होंने कुछ मल्टीपल में कुछ मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे भी रखा है, उसको सॉल्व करके दोबारा से उसको डिवाइड करके गुना करके भाग करके जो भी करना है मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, मतलब ओके जी, यानी कि सॉल्व मल्टीप्लाई और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में उसको प्रदर्शित करना है, यानी कि सिंपल में नहीं करना। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का ए पार्ट है बेटा हमारे सामने, 3 मल्टीप्लाई 5 1 अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया स्क्रीन पे हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब देखो ये तो 3 ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 25 और 1 26 अपॉन 5 बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते चलते हैं, इसी दे ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं कट रहा है, नहीं कट रहा जी। ठीक है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 1 है, तो इसको कर दो, 26 को अगर 3 से करते हैं अपॉन तो 5 1 जा 5 आएगा, इसको करो 78 आ गया, 26 3 जा कितना होता है, 78। अब ये 78 अपॉन 5 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि मिक्स फ्रैक्शन में करो, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो बेटर डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आपने फिर खुद कर लेंगे। ठीक है, बाकी डिवाइड आप खुद कीजिएगा, ये बड़ा इजी काम है, आप शुरू से ही समझते आ रहे हैं। ठीक है, देखो 5 1 जा 5 2 बच गए, 8 हो गया, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि इस चीज़ को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा,
यानी कि 5 से तो हमने डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3 बचा, और डिविजिबल क्या है, 15, यानी कि ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, मैंने स्क्वेयर में आंसर को लिखा है, डिवाइड किया है, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड करके और तब लिखा है, आप देख लें, ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं, 5 × 6 / 3/4, इसको भी सॉल्व ऐसे ही सॉल्व करने हैं, यानी कि सारे, ठीक है, 5 ही रहेगा, 5/1 लिख सकते हैं, 4 × 6 = 24, ठीक है, 24 × 3 = 27/4, क्या अब ये कटता है बेटा किसी से, सॉरी 4, ठीक है, क्या ये कटता है, जी नहीं कटता, 5 तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 27 × 5 = कितना होता है, 135, अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैंने बोला था कि मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगी, सीधा आंसर बताऊँगी, यहाँ 4 आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, 12 आ गया तो 3 रिमाइंडर बच गए, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गए, देख लें आप एक बार स्क्रीन पे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है इसका सी पार्ट है 7 × 1/4, सॉल्व कर लेते हैं, देखो 7/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, 1 × 9/4, सिंपल हो जाएगा ये तो, सॉल्व कर दो बेशक से ही, क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करते हैं तो, 7 × 9 = 63 और 4, क्या ये डिविजिबल होता है, नहीं होता जी, नहीं होता तो बेटा सॉल्व कर दो, 4 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, आगे क्या आता है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा और 4 × 4 और कितना बच गया, 2 = 23 हो गया, यानी कि 4 × 5 = 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 4 × 5 = कितना गया, 20, यानी कि ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हिंट से आप सॉल्व करना सीखें, क्योंकि अब आप 7th क्लास के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, आप इस प्रकार से सॉल्व करना सीखें, ठीक है, ट्रिक है एक तरह से जो मैं समझा रही हूँ, जैसे कि 4 को देखो यहाँ से डिवाइड किया 1 तो 2 बच गया, 2 इधर है, उसके आगे लग गया तो 21 हो गया, 21 हो गया तो 4 × 5 = कितना होता है, 20 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया तो डिविजिबल क्या आया, 15, यानी कि 15 आया, सिंपल। अब इसका करने जा रहे हैं बेटा हम डी पार्ट, 4 × 6/1/3, ठीक है, तो 4 × 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 × 3 = 18 × 1 = 19/3, कर दो बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कटता है नहीं कटता जी, नीचे 3 आ गया, 76 आ गया, ठीक है, अब इसको कर दो y डिविजिबल, बिल्कुल सिंपल वे में करना है, 3 से इसको करेंगे देखो 2 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 बच गया 16 हो गया, 3 × 5 = कितना होता है, 15 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, आंसर देखिए, बिल्कुल हिंट से निकाल लें आपने, ठीक है, बिल्कुल हिंट होनी चाहिए आप फटाफट से, ठीक है, और बिल्कुल आराम से, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस में इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट क्या हो, क्लियर हों बेटा सारे डाउट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है उल्टा दे रखा, आप देखो पहले सिंपल इधर आ रही थी, मिक्स फ्रैक्शन इधर आ रहा था, मिक्स फ्रैक्शन पहले दे दिया, सिंपल उधर दे दिया, ठीक है, लेफ्ट राइट हो गया। अब 4 × 3 = 12 = 13/4 और ये क्या है 6/, अब देखो ये कटता भी है तो काट दो, 2 × 2 = 2 × 3 = 13 × 3 = 39/2 × 2, यानी कि ये आ गया हमारा, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखो 2 × 1 = 2, 1 आ गया, 19 हो गया, तो 2 × 9 = कितना होता है, 18, 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि आंसर आ गया। आंसर आपको सारे स्क्वेयर की शेप में मिलेंगे, स्क्वेयर में मिलेंगे, यानी कि डिब्बे के अंदर क्या होंगे, हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर्स किस में होंगे, स्क्वेयर में होंगे, ठीक है, डिब्बे में होंगे। अब आता है इसका एफ पार्ट, मैंने इसके सारे पार्ट समझा दिए आपको, अब ये देखो 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17/5 × 8/1, जी कुछ नहीं आता, कटता ही नहीं कुछ, 5 कर लो और इसको कर दो, 7 × 8 = क्या होता है बेटा, 56,
ओके जी, 56 होते हैं तो 6 आ गया, 5 कैरी, 8 बन जाए, 8 और 5 कितना हो गया 13 है, यानी कि 136 आप कर दो, 5 से तो डिवाइड करना है, अब जो डिवाइड कर रहे हैं वही साइड लिखते हैं, लिख दो 5 बन जाए 5, 3 उधर चला गया 36 हो गया था, तो 5 7 जगह क्या जाता है 35, 35 चला गया 36 में से तो बचा क्या 1 रिमाइंडर, ये क्या आ गया आंसर। एक बार स्क्रीन पे हैं सारे क्वेश्चंस आपके 6 के बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आप देख लें ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आप देखें एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देख लें क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें 6 के, फिर चलेंगे हम 7 पे। 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल एकदम कंप्लीट होगा आपका। बेटा स्क्रीन पे आपके सामने आंसर्स हैं, आप आंसर्स को देखें 6 क्वेश्चन के, ये देखें बिल्कुल ठीक है आंसर्स हैं, ये देखें इसको डिवाइड 5 टू जा गया था वो 2 आएगा 27 हो जाएगा, बाय मिस्टेक 1 लिखा गया था तो सॉरी ठीक है। अब इसको देख लें आप स्क्रीन पे एक बार, मैंने फ़ोन को बिल्कुल कर रखा है ठीक है, हाँ अब देख लें, ये देखें बिल्कुल ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हमारा 8 बचा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने से पहले आप स्क्रीन पे ये देख लें, अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, ओके आ जाएं 7 पे, फाइंड करना है बिल्कुल सिंपल है, अब जैसे ऊपर 5 क्वेश्चन में किया था वैसे ही 7 क्वेश्चन में करना है, इसमें भी दे रखा है इसमें, लेकिन सिंपल फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन दोनों दे रखे हैं ठीक है, उसमें सिंपल संख्या थी ओनली, अब करते हैं मैं सॉल्व करा देती हूँ, दो ही पार्ट है 7 के, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, एक बार मैं क्वेश्चन को उतार लेती हूँ, हाफ ऑफ फर्स्ट में दे रखा है फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी, सेकंड में दे रखी है फिर दूसरे वाली फ्रैक्शन, ये देखें ओके जी, ये देखें अब यानी कि इसका हाफ का क्या है फर्स्ट में मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो, 4 5 ज़ा सॉल्व करके लिख देती हूँ मैं, 4 5 ज़ा बेटा सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11 अपॉन 4 हो गया, इसको चेंज करेंगे तो 36 और 2 38 अपॉन 9, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, तो पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं 11 अपॉन 4, साथ में उसको भी लेके चलेंगे, हाफ का क्या करना है मल्टीप्लाई 38 है बेटा ये 38 अपॉन 9 है ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 11 अब 4 2 जा 8 ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 38 कटता है तो काटेंगे, 9 2 जा क्या इतना हो गया बेटा 18, अब काट दो देखो 2 से कटता है, 2 से कटता है जी, 2 9 जा 2 जा 2 टू नाइन चल, यानी कि क्या आ गया 19 अपॉन 9 आ गया ठीक है, 19 अपॉन 9 आ गया ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, कर दो बेटा 8 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 3, ये हमारा आ गया आंसर ठीक है। अब ये दूसरे का आंसर, 9 से हमने क्या दिया डिवाइड दिया, इसको किस पे जाएगा 2 पे गया, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, ये आ गया इसका आंसर ठीक है। इसका बी पार्ट और करा देती हूँ मैं आपको, स्क्रीन पे हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, स्क्रीन पे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ठीक है, अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बी पार्ट में क्या दे रखा है 5 अपॉन 8 ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन और सेकंड मिक्स फ्रैक्शन, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन, 5 अपॉन 8 और उसको ऊपर ही सॉल्व करवा देती हूँ, ये देखो 6 3 18 होता है, 18 और 5 कितने होते हैं बेटा 18 और 5 कितने होते हैं 23, इसको सॉल्व करो
3 9 27 27 और 2 बेटा कितने हो गए 29, यानी कि 3 9 27 और उसमें 2 ऐड किया तो 20, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो 23/6 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे 5/8 को 29/3, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ कटता है तो बेटा दाएं बाएं ऊपर नीचे तो कम काट सकते हैं, अगर कुछ नहीं कटेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है काटने की, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, इसको मल्टीप्लाई करो, ये देखो आ गया बेटे, ठीक है। अब अगली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 24 और मल्टीप्लाई करते हैं 145, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये कोई किसी नंबर से ये दोनों संख्याएं कोई कट सकती है, 11548 कटता है बेटा, देख लेते हैं एक बार, अगर कटेगा तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे। वैसे लगता नहीं कटेगा क्योंकि पहले ही नहीं कटा तो आप कहाँ से कटेगा, ठीक है। ये देखिए उसमें 5 है पीछे तो 3 या 5 के टेबल से कट सकता है, नीचे 44 है नहीं कटेगा, इसमें भी ऐसे ही 5 है 3 या 5 से कटेगा तो ये नहीं कट रहा फिर, ठीक है। और वो पूरी संख्या क्या नहीं हो रही, डिविजिबल नहीं हो रही है हमारी। अब डिविजिबल नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, डिवाइड देंगे तो क्या कर देंगे, सीधे 48 से डिवाइड देंगे। ये देखो एक बार डिवाइड देके दिखा देती हूँ दोबारा से आपको, ये थोड़ी बड़ी संख्या है आपको दिक्कत ना है। अगर 2 पे लेते हैं, 2 पे करते हैं तो कितना आ जाता है, 96, तो 15 में से गए 4 और 5 9, इधर 10 में से 19, यानी कि अभी इससे छोटी है जाएगा नहीं, तो किस पे किया है 2 पे, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 19, ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व कर देते हैं, 24 से तो डिवाइड देना है। अब 24 के टेबल को कहाँ तक लेके जाएं कि 145 से कम हो, 145 से कम हो तो बेटा देखो अगर 5 पे लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, देखते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है। उससे भी कम है, उससे भी अधिक, अगर 6 पे देख लेते हैं क्योंकि 24 5 होता है 120 होता है, तो 144 आ जाएगा हमारा 6 पे, ठीक है। तो किस पे आ जाएगा, 6 पे क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये देख लें आप आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब आंसर्स को मैंने पहले भी बताया था कि मैंने किस में रखा है, स्फीयर में रखा है। अब मैं एक बार इस पेज पे वीडियो को बिल्कुल आपको दिखा देती हूँ, ये देखें स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो लास्ट में रहा है ये 6 और कौन सा कराया मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराया, एक बार ये देख लें 6 क्वेश्चन, फिर मैं 7 दिखा दूँगी आपको, ओके बिल्कुल, ये देखें ये 7 का ए पार्ट, ये बी पार्ट है, ये देखें बिल्कुल आपके सामने है। एक बार बैक और चले जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं एक्सरसाइज, ताकि बेटा आपको कोई भी डाउट रहा हो, अगर किसी बच्चे का छूट भी गया तो लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एक बार और जो आज के क्वेश्चन से, और बेटा मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करते रहें और वॉच करें उसे, ठीक है।
ताकि आपके लिए आगे भी वीडियो फिर क्या आ रहे हैं आती रहें। ठीक है, मेरे चैनल को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ साथ वॉच भी करें। ठीक है, ये आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच क्लास।